जनपद में दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 12 मार्च को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और साथ ही जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बासगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में समनीय वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों सहित अन्य वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाए, किस तरह के मामलों का निस्तारण होगा? ये 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित हुआ है, जिसमें शनिवार के द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ बाह्य न्यायालय बांसगांव और जो है ग्रामीण न्यायालय आदि जगहों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और इसमें है ग्राम न्यायालय है कैंपियरगंज, चौरी चौरा, गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक समनीय वाद, धारा 138 NI एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम की याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस विवाद जिसमें किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद एवं अन्य मामलों के अतिरिक्त MBI एक्ट के मामले व ई चालान के मामलों आदि को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी मामलों को सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।